हेलो दोस्तों, लाल चींटियों के कतारों को तो आपने जरूर देखा होगा। जी हाँ, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तब तो आपने पेड़ों पर इन्हें घर बनाते हुए भी देखा होगा, इनकी कतारों को भी देखा होगा। लाल चींटियाँ जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों पर, फलों के पेड़ों पर पाई जाती हैं, उनकी चटनी को GI टैग मिला है। जी हाँ, लाल चींटी की चटनी बनती है और उसे GI टैग मिला है। GI टैग क्या होता है? GI टैग जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो ये वाला टैग किसी उत्पाद या किसी डिश को, किसी वस्तु को तब मिलती है जब वो किसी विशेष भौगोलिक स्थान, किसी विशेष शहर, किसी विशेष जगह से संबंधित होता है। वो उसकी खासियत वहीं की होती है। जैसे एक लेखक को उसके लेख या फिर उसके गाने के लिए उसे पेटेंट दिया जाता है, उसकी कहानी के लिए पेटेंट दिया जाता है, उस पर उसका अधिकार होता है कि ये उसका गाना है। ठीक वैसे इस चटनी को GI टैग मिला है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। जियोग्राफिकल इंडेक्स वैश्विक तौर पर ये प्रदान किए जाते हैं। तो ओडिशा की लाल चींटी की चटनी को ये GI टैग मिला है। जी हाँ, अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप इसे और जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। ये नया GI टैग ओडिशा की लाल चींटी की चटनी को दिया गया है। और इस डिश की क्या खास बात है, जरा ये भी देख लेते हैं। तो इस डिश में यह चटनी मुख्य तौर पर ओडिशा के मयूरभंज में खाई जाती है। इसे बनाने में चींटी के अंडों का भी इस्तेमाल होता है। यह स्वाद में काफ़ी तीखी होती है। पहले चींटियों को लहसुन और हरी मिर्च के साथ पीस कर सुखाया जाता है। इसके बाद टमाटर, धनिया, नमक और मिर्च डालकर तैयार किया जाता है। तो ये बहुत तीखी सी, चटपटी सी चटनी होती है और इसे GI टैग मिला है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी